तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे Redmi 10 Prime इंडिया के यूज़र हैं तो आज आपके लिए यहाँ पर एक न्यू अपडेट इंडिया में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन वो अपडेट MIUI 13 का नहीं है और ना ही Android 12 का है। तो आज मैं आपको उस न्यू अपडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और Redmi 10 Prime इंडिया में MIUI 13 Android 12 का इंडिया स्टेबल अपडेट यहां पे कौन से मंथ तक रिलीज़ किया जा सकता है, मैं आज आपको इस वाली वीडियो में ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहां पर दे देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहां पे शुरू कर लेते हैं। तो आपका पता है Redmi 10 Prime में अभी हाल ही में MIUI 12.5.7.0 इंडिया स्टेबल अपडेट रिलीज़ किया गया था और उसमें हमें कुछ बग्स फिक्सिक्स भी यहां पर कर दिए गए थे, लेकिन आज यहां पर Redmi 10 Prime के लिए एक न्यू अपडेट फिर से रिलीज़ किया गया है और ये अपडेट फिर से MIUI 12.5 पर ही बेस्ड हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। 12.5.8.0 Android 11 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट और इस अपडेट को यहां पे पब्लिक में रिलीज़ कर दिया गया है। इस अपडेट का साइज़ हमें यहाँ पर केवल 7.5 MB का देखने के लिए मिल जाता है और हमें इसमें चेंज लॉग, इसमें हमें एक फिक्स किया गया है मोबाइल डाटा वॉच टर्नड ऑफ इन हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट्स। तो आपका मोबाइल डाटा ऑन करने से 12.5.7.0 इंडिया स्टेबल अपडेट में आपका Redmi 10 Prime का मोबाइल का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाता था, यानी कि हमें उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही थी। तो इसलिए उस वाले बग को यहाँ पे फिक्स करने के लिए इस वाले अपडेट को यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल डाटा वॉज टर्नड ऑफ इन हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट्स। तो अब ये वाला इशू MIUI 12.5.8.0 में यहाँ पर सक्सेसफुली फिक्स हो चुका है और हमें इस वाले अपडेट में फरवरी पैच का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं MIUI 13 Android 12 के इंडिया स्टेबल अपडेट की। तो यहाँ पे ग्लोबल स्टेबल में MIUI 13.0.1.0 Android 12 पर बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट Redmi 10 यानी कि Redmi 10 Prime के लिए रिलीज़ हो चुका है और इस अपडेट को यहाँ पे पार्शली रिलीज़ कर दिया गया है और इस अपडेट का साइज़ हमें यहाँ पे 2.5 GB का देखने के लिए मिल जाता है। तो अब इंडिया में Redmi 10 Prime के लिए सब कुछ फिक्स हो चुका है, यानी कि इस वाले बग को इस वाले 12.5.8.0 वाले अपडेट में सक्सेसफुली फिक्स कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। और इस वाले अपडेट का अब यहाँ पे फुल रिलीज़ भी बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा और Redmi 10 Prime इंडिया के लिए MIUI 13 का अपडेट Android 12 का इंडिया स्टेबल अपडेट मार्च के एंड से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमें यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ Redmi 10 Prime के लिए यहां पर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। और इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो यही थी आज की पूरी वीडियो Redmi 10 Prime से रिलेटेड कि यहाँ पे Redmi 10 Prime इंडिया में 12.5.8.0 इंडिया स्टेबल अपडेट रिलीज़ हुआ है 7.5 MB में और अब MIUI 13 Android 12 मार्च के एंड से अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।